नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शालू है और मेरे YouTube चैनल शालू द बुक पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी एकदम सॉफ्ट रोटियां बनाने के लिए आप कैसे आटा लगाएं, ताकि जब आप उसको बच्चों के टिफिन में रखें, ऑफिस ले जाएं या फिर घर पर आप उसको रखें तो कई घंटों बाद भी आपकी रोटियां एकदम नरम रहे। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप आटा लगाएं, किस तरह से गूंथें और किन बातों का आप ध्यान रखें, किन टिप्स एंड ट्रिक्स को आप फॉलो करें कि आपकी रोटियां कई घंटों के बाद भी एकदम सॉफ्ट रहें और बच्चों से लेकर बड़ों के मुंह में जाकर घुल जाएं। तो आइए देखते हैं किस तरह से आटा आप लगाएं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 कप से आटा लगा रही हूँ। अगर आप ग्राम्स में देखेंगे तो लगभग 250 ग्राम के करीब यहाँ पर ये आटा लिया है, गेहूं का आटा। तो इसमें हमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसमें नमक वगैरह हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। सिर्फ फ्रेंड्स हमें इसमें धीरे धीरे करके पानी ऐड करना है और आटा लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह करके धीरे धीरे करके पानी ऐड करते जाएं, आटे को समेटते हुए इस तरह से आटा माड़े। तो थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, पर इससे जो रोटियां बनकर तैयार होंगी वो बहुत ही बेहद ही मुलायम बनेंगी और कई घंटों तक सॉफ्ट रहेंगी। अक्सर से होता है फ्रेंड्स, हम बच्चों के टिफिन में जब रोटियां रखते हैं तो वो खाते नहीं हैं और टिफिन सारा की सारा बचकर आ जाता है और वो शिकायत करते हैं वो लोग कि मम्मा ये जो रोटी थी काफ़ी टाइट हो गई थी इसलिए मैंने नहीं खाई। और आप ऑफिस भी ले जाते हैं तब भी काफ़ी खिंची खिंची सी हो जाती है या फिर बहुत टाइट रहती है। घर में भी हम कई घंटों बाद अक्सर से होता है कि खाना टाइम पर नहीं खा पाते, तो रखी रहती है कैसरोल में, तो रोटी जो होती है काफ़ी टाइट हो जाती है। तो अगर आप आटा मेरे बताए हुए तरीके से इस तरह से धीरे धीरे करके पानी डालते हुए लगाएंगे, आटा अगर आपका सॉफ्ट मड़ेगा, बिल्कुल क्रैक फ्री अगर आपका डो लगेगा, तो जो रोटियां हैं बेहद ही मुलायम बनेंगी। तो ये देखिए, इस तरह से आप आटा लगाइए, आप देख सकते हैं धीरे धीरे कर यहाँ पर मैंने पानी डालते हुए आटे को समेटते हुए लगाया है। तो इस तरह से अगर आप आटा लगाएंगे तो लगभग 12 से 13 मिनट लग जाएंगे, ये देखिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी परात भी ऑलमोस्ट साफ हो गई है, तो आपको अलग से साफ भी नहीं करना पड़ेगा। ये एक्चुअली एक पहचान होती है फ्रेंड्स, अगर आपका जो डो है, अगर आपका आटा सही लगा होगा, सही प्रोपोर्शन में अगर आपने पानी डाला होगा, सही से लगाया होगा, तो जो आपकी परात है, जिस बर्तन में भी आपने आटे को लगाया है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगी इस तरह से आटे को लगाते हुए। तो ये देखिए, अभी थोड़ा सा आटा मुझे टाइट लग रहा है, तो ये देखिए थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ। तो ये देखिए थोड़ा सा सॉफ्ट हम इसे और करेंगे, क्योंकि अभी भी मुझे जो आटा है उसमें थोड़े से यहाँ पर दरारें नजर आ रही हैं। तो आटे को बिल्कुल हमें चिकना करना है, आटा जितना हमारा चिकना हो जाएगा उतनी ही रोटियां सॉफ्ट बनेंगी। तो ये देखिए, आप देख सकते हैं काफी अच्छे से हम यहाँ पर हमने आटे को नीट कर लिया है। तो अभी थोड़ा सा ये देखिए इसमें क्रैक्स हैं, तो इसमें वापस से मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। पानी बहुत हल्का हल्का लगाना है हमें, एक एक दो दो चम्मच करके पानी ऐड करना है और इसको अच्छे से नीट करना है। इतना आटा लगाने में, जैसा कि मैंने आपको बताया, 10 से 12 मिनट का टाइम लगेगा। और जब इसमें बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं रहेंगे, जब ये आटा बिल्कुल भी फटाफटा नहीं रहेगा, तब हम आटे को मलना बंद कर देंगे और इस पर हम लगाएंगे थोड़ा सा घी या तेल और इसको हम रेस्ट देंगे, यानी कि इसको हम ढककर कुछ देर कर लिए रख देंगे ताकि ये जो आटा है अच्छे से सेट हो जाए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आटा जो है इसमें चिकनापन आना शुरू हो गया है, आटा हमारा काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। तो ये आटा अभी फिलहाल तो मरकर रेडी है, मल चुका है, अच्छे से नीट हो चुका है। तो मैं इस पर लगा देती हूँ थोड़ा सा घी। तो ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट है आटा, हल्के से अभी क्रैक्स बाकी हैं, तो इस पर थोड़ा सा घी लगाएंगे हम। यहाँ पर मैं मेल्टेड घी लगा रही हूँ, इसको इस बार इस तरह से एक बार अच्छे से इसके ऊपर घी अप्लाई कर लीजिए, इस तरह से नीट कर लें। और इसके बाद में इसको हम रख देंगे, देखिए एक बार और मल देती हूँ मैं घी लगाकर, ताकि अच्छे से चिकना हो जाए। तो आटा हमारा बहुत अच्छे से चिकना हो चुका है, पर इससे फिलहाल हम रोटी नहीं बनाएंगे, इसको हम रेस्ट देंगे, यानी कि हम इसको ढककर रखेंगे। तो मैं इसको छोड़ देती हूँ 10 से 12 मिनट के लिए, ढक देते हैं हम। ये देखिए थोड़ा सा ऑयल या घी अप्लाई कर दें ऊपर, और बहुत ही सॉफ्ट है आटा हमारा। ये देखिए रेस्ट करने से ये जो आटा है अच्छे से सेट हो जाएगा, तो इससे रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट बनेंगी। तो ढककर रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और आटा हमारा बहुत अच्छे से सेट हो चुका है। तो आटा हमारा ऑलमोस्ट चिकना है, पर इस देखिए कुछ ड्रॉप्स इस तरह से घी या ऑयल डाल लें और वापस से इसको एक बार नीट करेंगे, और उसके बाद में आप इसे फटाफट से रोटियां बना पाएंगे।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल क्रैक फ्री हमारा डो यहाँ पर लगकर रेडी हो गया है। इसके अंदर कोई भी क्रैक्स नहीं है। ये देखिए बेहद ही चिकना आटा लगा है और इससे रोटियां भी बहुत ही बढ़िया बनेंगी। ये देखिए अब इससे हम पेड़े तोड़ेंगे। तो जितनी बड़ी भी आप रोटियां बनाना चाहते हैं घर में तो उतनी बड़ी आप लोई तोड़ सकते हैं। मैंने यहाँ पर एक नींबू के साइज की रोटी ली है, सॉरी पेड़ा दिया है, और इसको हम बेलकर इससे रोटी बनाएंगे। तो सबसे पहले इस पेड़े को हम डस्ट करेंगे फ्लावर में, यानी कि गेहूं के आटे पर, और इसको हम बेलकर रोटी को बेलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से सबसे पहले लोइयां, चाहे तो आप इस तरह से तोड़कर रख सकते हैं, डस्ट कर ले फ्लावर में और इसको आप बेल लें। तो ये देखिए बेलन की हेल्प से घुमाते हुए आपको रोटी को बेलना है, ताकि जो इसकी एजेस है वो भी एक सार रहे और किनारे भी आपके बेलते समय मोटे नहीं होने चाहिए। ये देखिए यहाँ पर हमने मीडियम साइज की रोटी बेल ली है। ये रोटी हमारी बेलकर बिल्कुल रेडी है। तवा हमारा गर्म हो चुका है, तो गर्म तवे पर आप डाल दें रोटी को और लो मीडियम फ्लेम पर आपको इसको 1 से 1.5 मिनट तक सेकना है। जब ये रोटी नीचे से सिक जाएगी, ये देखिए हल्की से इसमें बबल्स आने लगेंगे, तो इसको हम टर्न कर देंगे, फ्लिप कर देंगे, और वापस से दूसरी साइड से भी जब इसमें स्पॉट्स आ जाएंगे, थोड़े से स्पेक्स आ जाएंगे, तब इसको हम उतार कर और आंच पर रखकर इसको सेक लेंगे। आप देख सकते हैं रोटी पे स्पेक्स आ चुके हैं, तो मैंने इसको हटा दिया है। और ये देखिए आंच पर रखकर, यानी कि गैस पर रखकर हम इसको सेक लेंगे। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और हाई फ्लेम पर आपको रोटी को सेकना है। तो ये देखिए कुछ सेकंड तक आप इसको सेक लें और ये रोटी हमारी सिककर बिल्कुल रेडी है। इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। इस पर आप चाहें तो मेल्टेड बटर या फिर घी, जो भी आप चाहें, अप्लाई कर सकते हैं, या फिर बिना घी के भी इसको खाया जा सकता है। तो इसी तरह से सारी रोटियों को, सारी फुलके चपाती हम बनाकर रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए दूसरी रोटी भी मैंने डाल दी है। तो इसी तरह से आपको सारी रोटियां बनाकर तैयार करनी है। अगर आप घर में इस तरह से रोटियां बनाएंगे तो आपकी रोटियां बेहद ही सॉफ्ट बनेंगी। तो आप भी ट्राई कीजिए, बनाइए इस तरह से रोटियां घर में। कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी, आटा मारने का तरीका, मुझे लिखकर जरूर बताइएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी रोटी कितनी बढ़िया फूली है और एकदम फूल फूल कर एकदम गुब्बारे जैसी हो गई है। तो ये देखिए रोटी हमारी सिककर रेडी है। इस पर भी मैं घी लगा लेती हूँ। तो इसको आप ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं, तुरंत इसको खाएं, गर्मा गर्म खाएं, या फिर आप इसको रखकर खाएं। आपकी रोटी कई घंटों तक सॉफ्ट रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप रखिए अपना ख्याल। बाय।